कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा, सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। आइए अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका कत्ल हुआ है उनकी अहलिया मीडिया के सामने आकर अपील कर रही है। आसिफ नगर में हुए अलीम नामी शख्स के कत्ल पर उनकी बीबी का बयान आया सामने। उन्होंने एमएलए और हुकूमत से इंसाफ की अपील की है और उनका ये कहना है कि उनके 5 बच्चे हैं, अब इनका क्या होगा, इनको कौन पालेगा। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं आसिफ नगर से। अस्सलाम वालेकुम, मेरे शोहर का आज मर्डर हो गया। अनुज मेरे एक अनुज थे, मेरे को पालने वाले, मेरे को 5 बच्चे हैं। अब मेरा इंसाफ होना, मेरे को आप इंसाफ चाह रही हूँ मैं आपसे। आप जो भी बड़े एमएलए हैं सबसे इंसाफ चाह रही हूँ। उनका मर्डर कौन करे उनको भी पकड़िए, उनको भी सज़ा दिलाइए। मेरे को कोई भी नहीं है, मेरे 5 बच्चे हैं। उन्होंने लाए तो मैं खाती थी, कैसा भी चला लेती थी। हम लोग, मैं बहुत गरीब हूँ। उन्होंने जो भी काम करते थे मैं भी चलाती हूँ, मैं दोनों मिलकर बच्चों का ये करते थे। अब मेरा कोई भी नहीं है। अब आप इंसाफ दिलाइए मेरे को। माँ जी, तो मेरे को 12:15 के करीब मालूम हुआ। उन्होंने 7:30 तक घर में थे सुबह, अब मगरिब के बाद गए। उन्होंने कहाँ जा रहे बोले तो अब भी आ रहा हूँ बोले। मेरे को 7:45 को 2 पुलिस वाले आके बोले अलीम कहाँ है पूछे, तो मैं बोली अलीम अब भी थे साहब, सुबह से सो रहे थे, अब भी गए बोली। मैं गए बोले तो अलीम कौन से कपड़े पहने बोल के मेरे को अलीम की पूरी इंक्वायरी करे, तो मैं ऐसी के बाद ऐसा बोली। फिर मेरे को थोड़ी देर के बाद गली के लोग बोलने लगे भाभी अलीम भाई का मर्डर हुआ, अलीम भाई का मर्डर हुआ बोल के। जिसके पास नंबर था मेरे को जानो फ़ोन करके भी बोले तो मेरे को। फिर मैं यहाँ हबीबनगर PS में आई, तो मेरे भाई यहाँ आए, आके मेरे को लेके यहाँ पे आए, आसिफ नगर PS के पास हुआ मर्डर बोल के लेके आए। अब मेरे को इंसाफ चाहिए, कौन करे क्या करे। उनकी ज़ाती दुश्मनी तो किसी से भी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ पीते थे, कमा लेते थे, पी लेते थे। उनका उन्होंने पी लेना, कमाना, आके घर में बैठ जाना था। और एक तो 15-15 दिन 20-20 दिन घर में रहते थे उन्होंने, ज़्यादा दिन नहीं, काम रहा जब जाते थे आते थे। हुसैन साहब, MLA साहब, जो भी बड़े लीडर है, मेरे को उनसे इंसाफ चाहिए, मेरी मदद करिए आप। अब मेरा कोई भी नहीं है, एक उन्होंने थे ना, मेरे को देवर है, जेठ है, कुछ भी नहीं। सास को एक लोता एक बेटा था, वो मेरे को 5 बच्चे है, 2 लड़के है, पूरे बच्चे स्कूलों को जाते मेरे, हम दोनों मिलकर कमा बच्चों को ये करते। अब मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को अब सास ही थे, अब और कोई भी नहीं, एक ही थे मेरे उन्हों। मेरा एक ही बच्चा था, मेरे बच्चे का आज मर्डर हो गया। मेरे बच्चे के 5 बच्चे हैं, मेरे बच्चे का, मेरे बहू का इंसाफ कौन करो। आप लीडर मिल गए, आप इंसाफ कर दियो। मेरा इकलौता एक ही बेटा था, ना मेरा शोहर है कोई नहीं था, मेरा सहारा 19 था, मेरा सहारा चले गया उन्हें भी। मेरे को इंसाफ होना साहब, माजिद हुसैन साहब, आप बड़े बड़े जो जो लोगों से इंसाफ दिला दो, मेरे बच्चे का कैसा वाटला हो। कब निकले मानो, तो 7:30 बजे निकल गया। उन्हें क्या काम करते थे? उन्हें डेंटिस्ट का काम करता, शादी खाने का काम करता था। उसके स्टेडा डालता था, उन्हें पीता था, उसके जगह उन्हें रहता था, किसी की दुश्मनी नहीं थी क्या नहीं। फिर कौन मारे क्या है आपको? आप ही दरियाफ्त कर लिए साहब, कोई नहीं है दुश्मनी उसकी किसकी नहीं। अपने घर में अपन रहता था 8 दिन तक, घर में 8 दिन 9 दिन 10 दिन घर में रहता था, उन्हें कहा नहीं जाता था बाहर। कुछ दुश्मनी नहीं थी साहब उसकी, किसी की दुश्मनी नहीं थी। मेरा एक ही सोचा, आप इंसाफ दिलाइए मेरा, मेरे बच्चे का, मेरे बहू का, मेरे बच्चे का इंसाफ दिलाइए। मेरे 5 बच्चे हैं उसके, उन लोगों का देखो स्कूल को जाते, घर में कोई नहीं, उन्हें सब 5 बच्चे, 2 औरत बच्चा, 3 मर्द बच्चे हैं, 12 साल का बच्चे से बाकर के छोटे सब छोटे छोटे हैं। बच्ची बहुत चाहती थी उसको, अब्बू बोल के बहुत चाहती थी उसको। जोया का वाटला हो गया मेरे। बेस्ट क्वालिटी इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कॉन्टैक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandspices.com, ताकि आपके घर तक पहुँच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।